हेलो व्यूअर्स, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम जानेंगे इंडियन एयरफोर्स के उस इकलौते वीर के बारे में जिन्हें बहादुरी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। भारत माँ के यह ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया तथा अकेले ही दुश्मन के 6 सेबर नेट्स का डटकर सामना किया। उनकी इसी बहादुरी ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैको की। इन्होंने महज 26 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। निर्मलजीत सिंह के त्याग और बलिदान के लिए देश उनका सदा ऋणी रहेगा। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम इस शूरवीर की लाइफ के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैको के बचपन से। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत का जन्म 17 जुलाई 1945 को लुधियाना पंजाब के इसवाल विलेज में हुआ था। इनका जन्म एक जाट सिख फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिलोक सिंह सैको था। निर्मलजीत के पिता भी आज़ादी से पहले इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे चुके थे तथा वह ऑर्डिनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर हुए। इनकी माता का नाम हरबंस कौर था। बचपन से ही निर्मलजीत को एयरक्राफ्ट से बहुत लगाव था क्योंकि इनका गांव एयरफोर्स बेस हलवारा के पास लोकेटेड था। इसके अलावा इन्हें इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की इंस्पिरेशन अपने फादर से मिली। निर्मलजीत सिंह तरह तरह के एयरक्राफ्ट को देखते हुए बड़े हुए। बात करें इनकी अर्ली एजुकेशन की तो इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा खलसा हाई स्कूल अजीतसर मोही स्कूल से की। यहां से 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद इन्होंने 1962 में दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा को ज्वाइन किया टू परस्यू इंजीनियरिंग। बट निर्मलजीत का सपना तो एयरफोर्स ज्वाइन करके देश की सेवा करना था। इनके इसी जुनून की वजह से इन्होंने इंजीनियरिंग बीच में ही छोड़ दी। इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के 1.5 साल बाद उन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किया। इसके बाद निर्मलजीत ने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया। वह 4 जून 1967 में इंडियन एयरफोर्स में एज ए फाइटर पायलट कमीशन्ड हुए। फाइटर पायलट की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद निर्मलजीत सिंह ने इंडियन एयरफोर्स की 18 स्क्वाड्रन को ज्वाइन किया इन अक्टूबर 1968। इनका सर्विस नंबर था 10877 एंड कोर्स नंबर इज 197। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की 18 स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है जिसका मोटो है त्रिव और निर्भय, दैट इज फास्ट एंड फियरलेस। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 1971 की इंडो पाक वॉर की। 1971 में हुई पाकिस्तान की एयर रेड ने ही मां भारती के इस वीर को परम वीर बनाया। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह की पहली पोस्टिंग अंबाला पंजाब में हुई तथा इनकी सेकंड पोस्टिंग श्रीनगर में हुई। निर्मलजीत सिंह 1971 वॉर के समय जीनेट डिटैचमेंट के पायलट थे विच इज बेस्ड एट श्रीनगर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 1948 के समय श्रीनगर में कोई एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट नहीं था ड्यू टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑफ 1948। 14 दिसंबर 1971 का वो दिन था जब श्रीनगर एयरफील्ड पर पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 F-86 जेट्स ने हमला किया। यह पाकिस्तान की 26 स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट थे फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पेशावर।
फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेको उस समय ड्यूटी पर थे। जैसे ही पाकिस्तान के पहले विमान ने हमला किया, वह जवाबी हमले के लिए तैयार हो गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत टेक ऑफ एज नंबर 2 इन अ 2G-net फॉर्मेशन। इस जवाबी कार्रवाई में उन्हें लीड कर रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलधीर सिंह गुमन। जब दुश्मन एयरक्राफ्ट द्वारा रनवे पर पहला बॉम्ब गिरा तो डस्ट की वजह से वह तुरंत उड़ान नहीं भर पाए। जब रनवे उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ, तब तक दुश्मन सेना के 6 एयरक्राफ्ट जंग के मैदान में हमले के लिए तैयार थे। अपने सामने आए ह्यूज डेंजर को देखने के बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह ने बुलंद हौसले के साथ उड़ान भरी और दुश्मन के सेबर पर हमला बोल दिया। इस एयर बैटल में उन्होंने एक सेबर पर डायरेक्ट हिट कर ब्लास्ट किया और दूसरे को भी निशाना बनाकर काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिससे उसमें आग लग गई और दुश्मन का दूसरा विमान भी गिर गया। इस तरह वह दुश्मन के 2 एयरक्राफ्ट गिराने में सफल रहे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेको को लगा कि दुश्मन सेना के 2 ही एयरक्राफ्ट हैं। वह इस बात से अनजान थे कि 4 और एयरक्राफ्ट भी हैं। इसी बीच दुश्मन विमान ने उनके विमान पर हमला कर दिया। जब उनके विमान पर हमला हुआ तो उन्हें बेस पर लौटने की सलाह दी गई, लेकिन कंट्रोल सिस्टम के फेल होने के कारण उनका लास्ट मिनट इजेक्शन अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया तथा वह वीर गति को प्राप्त हो गए। पर उनकी शहादत बेकार नहीं गई। दुश्मन के 2 सेबर जेट ब्लास्ट होने के बाद बाकी 4 सेबर एयरक्राफ्ट अपना हमला एयरफील्ड एंड टाउन में जारी नहीं रख पाए और मैदान छोड़कर भाग गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह की बहादुरी के सामने दुश्मन टिक नहीं पाए और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। निर्मलजीत सिंह ने अकेले दुश्मन के 6 एयरक्राफ्ट का सामना किया तथा मैदाने जंग में अदम्य साहस का परिचय दिया। इनकी बहादुरी के लिए इन्हें इंडिया के हाईएस्ट वॉर टाइम मेडल ऑफ गैलेंट्री परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह की बहादुरी को अपकमिंग जनरेशन याद रखे तथा उनकी वीरता को सम्मानित करने के लिए निर्मलजीत सिंह स्टैचू वॉज इरेक्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ लुधियाना। निर्मलजीत सिंह के स्टैचू के साथ ही डीकमीशन पोलैंड G-net फाइटर भी इसका पार्ट है एंड सर्व्स एज अ गेट ऑफ गार्जियन। साथ ही इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए इनका स्टैचू और डीकमीशनड F-G-net फाइटर को इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम पालम में प्लेस किया गया है। आपको बता दें कि एयर मार्शल B.R. कृष्णा अनवील्ड शेकॉन्स बर्स्ट इन 2021 एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसवाल इन लुधियाना। आपको बता दें कि इसी विलेज में निर्मलजीत सिंह सेको का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ये थी इंडियन एयरफोर्स के इकलौते परमवीर की बायोग्राफी, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स के ग्रेटेस्ट एयर वॉरियर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। देश के सच्चे हीरो, जिन्होंने बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी अपनी फ्लाइंग स्किल एंड डिटर्मिनेशन के साथ वीरता दिखाई और भारत माँ के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। देश अपने पहले फ्लाइंग वीर को दिल से सलाम करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे हमारी अपकमिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।